जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। अब क्यों सीखेंगे बनाना, क्योंकि ये कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा एवं कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाया जाता है, और आप भी बना सकते हैं बड़े सरलता से। बहुत सरल है बनाना, देखिएगा मैं जैसे बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वैसे आप भी कॉपी लेके स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइएगा, बहुत सरलता से बना पाएंगे। इसको रफ करते हैं पहले, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना स्टेप बाय स्टेप, आप देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले तो हमको सेंटर को चूज करना है, किसी भी कॉपी के सेंटर को हमको चुनना है बनाने से पहले। अब जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसके राइट साइड से इस प्रकार से नली बनाएंगे। ये देखिए, ये इस प्रकार से नली से स्टार्ट करेंगे बनाना। इस नली को मोड़ेंगे सी आकार में, फिर इसको इस प्रकार से थोड़ा चौड़ा कर देंगे, जैसे कि कीप बनता है। इसके बाद यहाँ अंगुलीनुमा संरचना बनाएंगे, ये अंगुलीनुमा संरचना बना दी है। अब इसके बाद देखिए, इस भाग को ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे, ठीक है। इसके बाद जो संरचना इधर हम बनाए हैं वही संरचना इधर भी बनाना है हमको, तो ये देखिए, ये सेम संरचना बनाएंगे, ये इतना बना लिए। अब इसको फिर डबल करेंगे और यहां भी क्या बना देंगे, कीप जैसे संरचना। कीप जैसे संरचना बनाने के बाद यहां भी कुछ इस प्रकार से अंगुली नुमा संरचना बना देंगे, ठीक है। इतना बना लिए, अब इसको सेम ऐसे नीचे की ओर लाएंगे और ऐसे ये छोड़ देंगे, ये इतना बन गया। रुकिए, यहां मैं थोड़ा अच्छे से बना देता, ये ठीक है, ये इतना बना लेंगे। अब इतना बनाने के बाद दोनों साइड सेम बनाइएगा, ये ठीक है। इतना बनाने के बाद आप देखेंगे यहां कुछ इस प्रकार से कॉलर बनाएंगे, ये कॉलर, ठीक है, ये कॉलर बना दिए और यहां छोड़ दिए। इसके बाद यहां क्या बनाना है, कुछ इस प्रकार से संरचना बनाना है, ये ठीक है। सेम वही संरचना इधर भी बनाना है कुछ इस प्रकार से, और यहां कॉलर से लाके ऐसे। इसके बाद सेम संरचना इधर भी बनाना है इस प्रकार से, और यहां भी क्या लाना है, कॉलर बनाना है, ये कॉलर और ये, इतना आपको बना लेना है। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक अंडाकार संरचना बनाना है कुछ इस प्रकार से, और इधर भी एक अंडाकार, रुकिए थोड़ा मैं इधर सुधार लेता हूँ, स्पेस कम बना है, तो ये यहाँ आप कीप जैसे संरचना बनाएंगे, ये ठीक है, यह अंगुली नुमा संरचना। अब यहाँ आप एक अंडाकार और बना लेंगे, ठीक ना, ये संरचना, दो संरचना, और इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे, इस प्रकार से जोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ कुछ इस प्रकार से इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना, इसको भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, मादा जनन तंत्र का चित्र बनकर आपका रेडी हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, इसमें नाम लिखना है, ठीक ना, और देखना है कि कौन कौन सी संरचना है इसमें। तो
तो देखिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं नाम लिखूंगा, उसी प्रकार से आप भी स्टेप बाय स्टेप नाम लिखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मैं नाम लिखूंगा, ऐसे एक लाइन से ही आप भी नामकरण कीजिएगा, ठीक ना, तो सही होगा। देखिए, सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं संकीर्ण पथ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखते जाऊंगा। संकीर्ण पथ को इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, इस्थमस बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है तुम्बिका को बोलते हैं एम्पुला, ठीक ना। इसी प्रकार से लाइन बार आप लिखते जाइएगा एक सीरियल से। इसके बाद अगला आता है कीप, और कीप को बोलते हैं इन फंडी बुला, ठीक है। इसके बाद आता है आपका झलरी, और झलरी को बोलते हैं इंग्लिश में फिम्बरी, क्या बोलते हैं, फिम्बरी। तो ये चार स्ट्रक्चर आपने देखा। अब इस चार स्ट्रक्चर को हम एरो कैसे लगाएंगे, कौन सा भाग कहां पास है। तो देखिए, ये जो भाग है, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग क्या है, संकीर्ण पथ, ठीक है, ये संकीर्ण पथ, ये नलिकाकार संरचना। इसके बाद ये जो भाग है आपका, ये भाग क्या कहलाता है, तुम्बिका, इंग्लिश में एम्पुला। इसके बाद ये जो कीप जैसे संरचना है, इसको क्या बोलेंगे, कीप बोलेंगे, और जो इंग्लिश में बोलेंगे इन फंडीबुलम, ठीक है। इसके बाद जो ये उंगली नुमा संरचना आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं झलरी, ठीक ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिम्बरी। अब देखिए, चार संरचना हो गए, इस चार संरचना को हम एक साथ क्या लिखेंगे, ठीक है, इस चार संरचना को एक साथ क्या लिखेंगे, तो इस चारों संरचना को एक साथ लिखते हैं अंडवाहिनी। क्या लिखेंगे, अंडवाहिनी, ये हो गया अंडवाहिनी। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, ये चार संरचना मिलकर बनता है फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, ये जो आपका पूरा भाग है, ये बीच वाला भाग, तो इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, गर्भाशय, क्या बोलेंगे, गर्भाशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यूटेरस, क्या बोलेंगे, यूटरस या यूटेरस, ठीक है। अब देखिए, ये जो भाग है, ये वाला भाग, तो इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, अंडाशय, अंडाशय, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक ना, इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी, हिंदी में बोलेंगे अंडाशय, ठीक है। और ये जो भाग है आपका, ये जो भाग है, ये अंडाशय, ये अंडाशय, ये जो भाग है, ये वाला भाग जिससे अंडाशय जुड़ा होता है, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडरा, क्या बोलेंगे, कंडरा, ठीक ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक ना। ये जो भाग जुड़ा हुआ है जिससे क्या अंडाशय, उस भाग को क्या बोलते हैं, कंडरा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिगामेंट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो गर्भाशय है, इसके तीन परत होते हैं, ठीक ना, तो तीन परत कौन कौन से होते हैं, तो यहां देखिए, सबसे पहला जो अंदर का भाग है, ठीक है, अंदर का भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंदर के भाग को, तो इसको बोलते हैं अंतः गर्भाशय, क्या बोलेंगे, अंतः
गर्भाशय, ठीक है, अंतः गर्भाशय। और अंतः गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम, ठीक ना। हिंदी में अंतः गर्भाशय और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। अब जो ये बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पेशी गर्भाशय, पेशी गर्भाशय, ठीक है। और जो पेशी गर्भाशय है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम बोलते हैं। अब ये जो बाहरी, जो बाह्य का आवरण है, ठीक ना, ये बाहर वाला भाग, बाहर लेयर, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं परिगर्भाशय, परिगर्भाशय। क्या बोलेंगे? परिगर्भाशय, ठीक ना। और परिगर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। तो ये तीन भाग जो है किसका हो गया? गर्भाशय का। ये तीनों भाग मिलाकर क्या बनाते हैं? गर्भाशय का लेयर। अब देखिए, ये जो भाग है जहां से ये सिकुड़ा हुआ, जहां कालर बना है, तो इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को कहा जाता है ग्रीवा। क्या बोला जाता है? ग्रीवा, ठीक ना। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। अब ये जो भाग है, जो पतली संरचना है, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं योनि। क्या बोलेंगे? योनि बोलेंगे। और इस योनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलेंगे? वेजाइना। इसी को एनसीईआरटी में अब लिख के क्या आता है? जन्म नलिका, ठीक ना, जन्म नलिका लिखकर आता है। तो इतने भाग होते हैं किसके? एक मादा जनन तंत्र के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कि चित्र कैसे बनाना है। इतना यदि आपने चित्र बना दिया कक्षा दसवीं या कक्षा बारहवीं के एग्जाम में, तो आपको चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे, आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मादा जनन तंत्र का चित्र कैसे बनाना है और क्या क्या इसके नाम लिखने हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम नर जनन तंत्र का चित्र लेकर आएंगे और ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।